नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो आज का वीडियो भाई, मेरे कई भाइयों की वीडियो देखी मैंने और भाई बहुत अच्छा लगा कि सब एक साथ खड़े हैं, और खड़ा होना भी चाहिए क्योंकि हद से ज्यादा गलत हो रहा है। लेकिन सारे मेरे भाइयों की वीडियो देखी, और मैंने भाई राम निवास भाई साहब की वीडियो देखी, एक नंबर वीडियो, जिसे कहते ना जबरदस्त, बहुत अच्छी बात करी। चड्डी पहन के खड़े होते हैं जहां खेलते हैं, भाई चड्डी पहन के खेलने के लिए ना गूदा चाहिए, गूदा, और सूट में ना बॉडी दिखती नहीं है। सूट भी है, सूट भी पहन लेते कई बार गलती से यार, ठीक है, लेकिन जो खेल होगा वो तो खेल के तरीके से खेला जाएगा। क्यों? अब मसल के लिए बनाने के लिए सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है। अब कई कहते हैं भाई ये ले लिया वो ले लिया, मतलब कुछ भी इल्जाम लगा दिया उठा के, कुछ भी, उसकी निजी लाइफ, उसकी पर्सनल, मतलब उसकी घर, उसकी लाइफ, मतलब उसकी धजियां उड़ा दी जिंदगी की, है इतना आसान है। जब कोई मरने लगा तो कह दिया भाई झूठा सुसाइड है। अरे भाई जिंदगी के ना, जिंदगी 24 घंटे जब खराब होते हैं तब पता लगता है, और ये बहुत गलत है मनोज भाई, ठीक है ना। हर बच्चे को ये कहना चाहता हूं भाई, जिंदगी में हालात कैसे भी हो, कभी भी हार नहीं माननी। और दो गुंडे होते ना, गुंडे जो छटी गए होते गुंडे, वो भी एक दूसरे की फैमिली को दूर रखते हैं और परिवार को दूर रख। यहां तो मतलब नीचता होती, नीचता, वो नीचता भी घेर दी, जो सबसे नीच काम होता है ना वो आ गया यहां पे। एक दूसरे की फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, उसकी ये उठा के दिखा दो, क्या बदनाम। अरे यार किसी के कहने से कोई बदनाम होता है क्या? सारे ही बदनाम है, सही कौन है बताओ ना। हर आदमी में कमी है, हर आदमी में खासियत है, बस फर्क ये पड़ता है सामने वाला क्या देखेगा। और भाई बहुत गलत बात है, अगर अब सारे भाई चुप रहे ना तो डूब के मर जाना, क्योंकि मेरे को भी 3 दिन लग गए। भाई साहब की वीडियो देखी मैंने, राम निवास भाई साहब की, मतलब उन्होंने मेरे ख्याल से पहली बार वीडियो बनाई होगी, पहली बार, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो। अब सबको बोलना पड़ेगा, वो मैंने कहीं पढ़ा था, जो खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है, ठीक है ना, और जिसमें रवानी ना हो वो घंटे की जवानी है। और कई मेरे भाई कहते हैं भाई डर गए। अरे यहां कोई किससे नहीं डरता, ये हरियाणा है प्रधान, यहां सब अपने आप में फंदे गए हैं सब। और भाई धमकी आती है, भाई यहां करा लियो धमकी, खूब मैसेज करा लियो, खूब कॉल करा लियो, और एक जगह रख लियो बाद में मिलने की, वहां मिल लेंगे भाई से, ठीक है ना। तो भाई फुल सपोर्ट है मनोज पाटिल को, ठीक है। और भाई मनोज भाई तगड़े होके, ठीक है ना, पूरा तगड़ा हुआ था मर्द मराठा, तो मर्द मराठा की तरह लड़ना। और कई मेरे भाई भाई सुन लो बात ध्यान से, हिंदू मुसलमान ना मैंने कभी सीखा, ना मेरी परवरिश मुझे सिखाया गया। मेरी जब वीडियो स्टार्ट होती है मैं सारे धर्मों को इसलिए बोलता हूं कि हमें सम्मान सिखाया गया है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुरा भाई पे उतरा है वो इंसान बुरा। तो इस चीज को कई मेरे भाई कमेंट पड़े थे मैंने कई, गलत बात, जो सही है उसका साथ दो, क्योंकि जिंदगी ना सबसे अनमोल है। मतलब एक इंसान ने अपने आप को मारने का स्टेप उठा लिया, मतलब खुद को खत्म कर लूं तो क्या बीती है उस पर। किसने लाइव नहीं देखे, सबने देखे, किसने वीडियोस नहीं देखी, सबने देखी, लेकिन ठीक है हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, होने दो, यही तो गलत है प्यारे। आज उसके साथ है, कल हमारे साथ है, कल तेरे साथ है। आप कहो, किसी को कुछ भी कहो, कितना भी कुछ करो, लेकिन अपनी बारे में ना फिर चीख मत मारना, ठीक है ना। जो गलत है वो गलत है। तो भाई ये मैसेज, एक छोटा सा मैसेज मेरे देश के बड़े, जितने भी छोटे बड़े जितने भी एथलीट हैं उन सब तक पहुंचा देना, क्योंकि मनोज ना एक नंबर का लड़का है, मैं उससे कभी मिला नहीं, एक दो बार मैसेज में बात हुई होगी, वो भी कोरोना टाइम में, वो वाली बात है उसकी, भाई जीरो हूं, जीरो हो जाऊंगा, भाई जीरो नहीं है तू, हीरो है तू, ठीक है ना। और ये दिल से वीडियो है, और बहुत अच्छा इंसान है मनोज, किसी ने कितने इल्जाम लगाओ, कितना बदनाम कर लो चाहे, ये बहुत अच्छा लड़का है, और हिम्मत मत हारियो, ठीक है ना। क्योंकि जब माता जी रो रही थी ना, मैंने वो देखा था, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि माँ बाप जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। और भाई जो मेरे भाई हैं, वो क्या कहते हैं आपको, तो ना कोई सा आइकन, कोई फिटनेस आइकन, हाँ फिटनेस आइकन, भाई कौन सा मेडल आपके पास, कौन से स्टेज खेले हैं, संग्राम चोगले सर, क्योंकि भाई हमारे तो बड़े ही है ना, ठीक है, संग्राम भाई कहते थे। तो उनसे भी मेरी एक बार बात हुई है फोन पे, जब मैं कोल्हापुर गया था, इंडिया टूर किया था मैंने बाइक पे, तो एक बार फोन पे बात हुई थी, बहुत अच्छे इंसान है वो, ठीक है। और एक वो लड़का है भाई, क्या नाम उनका,
करणधीर मेरे ख्याल से, मैंने वीडियो देखी थी, उनका चैनल हैक करवा दिया, उनका इंस्टाग्राम हैंडल हैक करवा दिया। मतलब अरे प्यारे, इस दुनिया में सबको जाना है, कोई दो दिन पहले कोई दो दिन बाद, फिर क्यों आया मचा रखी है बताओ। और कोई किसी से नहीं डरता, इंसान की गलतफहमी है। ये कपड़े है ना, इतनी शर्म है, जब ये उतर जाएंगे फिर क्या आएगी शर्म, फिर तू भी नंगा हम भी नंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। तो मनोज भाई खुश रहना है और तगड़ा होकर लड़ना है, तगड़ा, पूरा देश साथ खड़ा है, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सबके दिल की धड़कन और सबके जमीर की आवाज ये कह रही है कि मनोज एक नंबर का है और एक ही नंबर रहेगा मनोज। तो दोस्तों, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।